अस्सलाम वालेकुम जी। तो हेडिंग टूवर्ड्स टू ह्यूस्टन टेक्सस 1300 माइल। अचानक प्रोग्राम बना है तो दोस्त ने कहा जी आ जाओ। तो वैसे भी एक दो जगह आगे भी डलस भी जाना था, मैंने कहा चलो यार ड्राइव करके जाओ, थोड़ा सा चिल भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं वहाँ पर, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला खैर खैरियत से पहुँचाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कल मैं निकला था 6 बजे शाम को वर्जीनिया से, और मैं जा रहा था शुगर लाइन टेक्सस जो है, और तकरीबन 15 घंटे का रास्ता था। तो रात को जो है वो गाड़ी खींच तान कर जो है मैंने 700 माइल जो है तकरीबन कर लिया था, और यहाँ अलबामा में पहुँचा हूँ। 2 से 3 स्टेट्स को जो मैं वो टच करता हुआ आया हूँ। अभी मज़ीद जो है ना 800 माइल अभी हैं। मौसम बड़ा प्यारा है, तो मैंने रात को होटल ले लिया था तो रेस्ट किया है तकरीबन। कोशिश मेरी ये थी 4-5-6 घंटे सो जाऊँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि होटल में सोया नहीं जाता। तो 5 बजे मैं सोया हूँ और तकरीबन 7 बजे 7:30 बजे मेरी आँख फिर खुल गई, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हूँ। तो मैंने कहा कि यार बाकी का सफ़र भी जाना कम्प्लीट किया जाए, तो इंशाल्लाह निकलने लगा हूँ। और जो है 10 घंटे मजीद मेरा जो है वो GPS बता रहा है, और 780 माइल कुछ दे रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं रास्ते में, जैसे भी होगा मैं शुरू करता रहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। सो गैस वगैरह जो है वो फिलअप कर ली है, और जो है एनर्जी ठीक है। आप लोग भी कह रहे होंगे यार क्यों बाबा शो कर रहा, लेकिन ये कि सोया नहीं जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। तो मैंने कहा चलो यार कम अज़ कम 1000। तो ये जनाब मैं अलबामा का है, बिल्कुल कॉर्नर की सिटी है बर्मिंगम, यहाँ पहुँच गया हूँ। और 120 माइल्स तकरीबन जो है मैंने वो कर लिए थे, और तो भूख से जो है वो पेट में चूहे नाच रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक रुका हूँ चिक फिले के ऊपर। पहले कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी कि मैं क्या ले रहा हूँ। तो ये मैंने जो है चिक फिले से जो है ये लिया है स्पाइसी चिकन सैंडविच, मुझे बड़ा मज़े का लगता है। तो जो ब्रेड है ये जो होल ग्रेन है, मीन गंदम की होती है। तो वो लोग कहते हैं जी कि ये हलाल नहीं है हराम नहीं है, लेकिन वो ऐसी जगह पर हो तो बंदा जो है ना कुछ जो है ना वो लेना पड़ता है, कि मजबूरी का नाम शुक्रिया बिस्मिल्लाह करो और खाओ इसको अल्लाह का नाम लेके। क्योंकि नींद भी तो 2-2.5 घंटे सोया हुआ हूँ, तो थोड़ा सा ये है कि सर दर्द वगैरह जो है ना वो ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह करते हैं, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है, कभी किसी को मौका मिले तो ट्राई लाजमी करें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ें और खाएँ इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं आगे जाके बात करता हूँ आपको, जो है ना दिखाता हूँ सारा कुछ। से लेकर यहाँ तक जो है 250 माइल्स मैंने कर ली है, और अब मेरे से जो आ रहा है वो स्टेट आ रही है, वो आ रही है लुइजियाना, न्यू ऑरलीन्स उसकी सिटी है। तो वो तकरीबन 40 माइल्स मुझे दे रही है। तकरीबन पहले मैंने वेस्ट वर्जीनिया को किया, वहाँ से निकला हूँ, फिर टेनेसी, फिर जॉर्जिया, फिर अपना अलबामा, फिर उसके बाद मिसिसिपी को भी मैंने किया है, कट करता हुआ गया हूँ, और अब जो है लुइजियाना है। लुइजियाना के बाद जो लास्ट स्टेट इंशाल्लाह आएगी वो टेक्सास आएगी। 6 से 7 स्टेट्स को जो है मैं कवर करता हुआ जा रहा हूँ, जैसे आती मैं दिखाता हूँ आपको ना थोड़ा सा। ये जी मैं मिसिसिपी पहुँच चुका हूँ, यहाँ की जो सिपियाँ बड़ी मशहूर हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो स्टेट है वो लुइजियाना है, लुइजियाना के बाद इंशाल्लाह अज़ीम जो है वो टेक्सास है। तो 5 घंटे का 500 माइल्स रह गया है, और तकरीबन 7 घंटे कुछ मिनट दे रहा है। तो इंशाल्लाह 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 लुइजियाना पहुँच कर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जो भी है। ये मिसिसिपी है, नॉर्मल छोटी सी स्टेट है इनकी एक। I-59 को मैंने पकड़ा हुआ है तकरीबन पिछले 5 घंटों से, और ये जो है ना सीधी जो है ना लुइजियाना तक जा रही है। इंशाल्लाह रह
गया है ऑलमोस्ट 430 miles। खूबसूरत ग्रीनरी है, अच्छा व्यू है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लुइजियाना पहुंच गया हूँ। ये लास्ट स्टेट है टेक्सस से पहले, तो पर्ल रिवर सिटी है इसकी जो फर्स्ट सिटी है जो लुइजियाना की स्टार्ट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 350 miles अवे हैं हम अपने जो हमारे जो डेस्टिनेशन है इंशाल्लाह ह्यूस्टन शुगरलैंड से। और इंशाल्लाह जैसे ही उसमें आऊँगा उसमें आएंगे अपना क्या कहते हैं उसको जो है टेक्सास के रेडियस से, तो मैं आपको फिर वहाँ पे इंशाल्लाह मिलता हूँ। ये देखिए जी बड़ा खूबसूरत व्यू है, एक ये आई थिंक रिवर है क्या है अल्लाह आलम, उसके ऊपर ये ब्रिज बना, बड़ा खूबसूरत है। ऐसे एक जो ब्रिज है वो मैरीलैंड में भी है, लेकिन ये उससे जो है ना थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे जो है ना, कि मैंने कैमरा जो है हैंग किया है यहाँ पर, तो मैं आपको जो है ना वो इर्द गिर्द नहीं, हाँ ये मेरे ख्याल से रिवर ही है कोई, आई थिंक बड़ा खूबसूरत व्यू है ये। और गर्मी भी इस एरिया में जो है ना टेक्सास अभी स्टार्ट ही हुआ, और गर्मी जो है ना वो बड़ी स्ट्रेंथ में है, शिद्दत में है, जैसे लाहौर की गर्मी होती वैसे मुझे जो गर्मी जो है ना वो फील हुई है। ये देखिए ये अभी पहुंचने वाला और टकरा के बारिश शुरू हो गई है, और ये तो ब्रिज है तो खासतौर पर टेक्सास के इर्द गिर्द लोग रहते हैं इनको पता होगा ये ब्रिज कौन सा। मैं तकरीबन 7-8 miles इस ब्रिज के ऊपर चल रहा हूँ, ये ख़त्म नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है बारिश हो रही है, टकरा। और ये नीचे मेरे कोई रिवर दरिया टाइप का कोई है, काफ़ी बड़ा ही है, बड़ी ज़बरदस्त हो रही बारिश, वेदर बड़ी कमाल किस्म का हो गया है। टेक्सास बस पहुंचने वाला हूँ इंशाल्लाह मैं, उसके बाद बॉर्डर जो है उसका तो सारे क्रीमा से नज़र नहीं आए। दोस्त यही कह रहा है कि तू टेक्सास जैसे पहुंचेगा उसके 150-60 miles उसके अंदर भी आना पड़ेगा, और जो है ना जो मतलब के जो डेस्टिनेशन पाया वहाँ पहुँचने तक के लिए। चेक करें रेन कितनी तेज़ हो रही है, पहुंच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रात के 10:30 बज चुके हैं, क्योंकि टाइम जोन इनका डिफरेंट है, यहाँ पर 1 घंटा वर्जीनिया से पीछे है। और बारिश देखिए कितनी ज़बरदस्त टकराकर हो रही है, तकरीबन 40 miles अवे हुए हैं अपने जो है ना वो डेस्टिनेशन से, तो ये देख सकते हैं आप। और डार कितना है कि मैं प्रॉपरली जो है ना आपको दिखा नहीं सकता जो है ना, देख सकते हैं बारिश कितनी तूफानी किस्म की हो रही है। इसी पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह ताला खैर खैरी से पहुँचा रहे हैं मुझे, वहाँ मेरा पहुँचने वाला हूँ 40-40 minutes दे रहा मुझे, क्योंकि हाईवे के ऊपर हूँ। तो ये जी डाउन टाउन पहुँच गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ह्यूस्टन का जो है व्यू तो मैं आपको जो है वो बाकी वीडियो सुबह ही स्टार्ट करूँगा। रात का टाइम है, डार्क है, तो प्रॉपरली आप देख नहीं सकते। खैर खैर से अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ, थोड़ा सा बस दूर हूँ घर से, तो इंशाल्लाह